So welcome friends, once again we were studying the light, reflection and refraction. Abhi tak to reflection ko chalu nahi kiya. We are again coming towards the mirrors, and today we will learn very very important topic, that is image formation by concave mirror, VIMP. ये आपको अगर नहीं आएगा तो आपका ऑप्टिक्स खत्म है, कुछ नहीं आएगा. तो बेटा बी सीरियस एवरीबडी, वॉट एवर ईच एंड एवरी वर्ड आई एम स्पीकिंग एंड ईच एंड एवरी लाइन आई एम ड्रॉइंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो एक पहला वाला डायग्राम मैं बना के रखा हूँ थोड़ा टाइम अपना बचाने के लिए, तो आगे थोड़ा सा और बता सकता हूँ. तो फर्स्ट केस है, अगर अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल भी बनाया, और ये जो डायग्राम मैं बनाते जाऊंगा वन बाय वन अपना क्या हो जाएगा, कैसे कैसे अपने केस होते हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा. तो ऑब्जेक्ट पोजिशन, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एट नहीं लिखा है लेकिन आप उसको समझ के लो. पहला वाला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. तो पहले बेटा समझ के लेना है वन थिंग, के इफ योर ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तो क्या होता है, देखते हैं. अगर आपका ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हम जो रेज लेते हैं, जो रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो लेते हैं पैरेलल. जैसे फॉर एग्जांपल सन, अगर कहीं भी आपको सन के रेज दिखाने हैं, इफ यू हैव टू सी द रेज कमिंग फ्रॉम द सन, ऑलवेज यू हैव टू शो देम पैरेलल, बिकॉज अपना रूल है कि अगर इफ द सोर्स इज फार अवे फ्रॉम द मिरर और लेंस, वॉट एवर इट इज देयर, इफ द सोर्स इज फार अवे, वी हैव टू टेक द रेज, एनी टू रेज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. ये पहले केस बनता है, इसीलिए मैं कंसिडर करूंगा. तो यहां पे कंसिडर द सोर्स इज एट फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का मतलब क्या है, इट मींस दैट सोर्स इज वेरी फार फ्रॉम मिरर. तो ये बन गया, अगर सोर्स इज वेरी फार फ्रॉम द मिरर, देन इंसिडेंट रेज विल बी, कैसे हो जाएगा, इंसिडेंट रेज विल बी पैरेलल, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ऑल्सो दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अपना रूल क्या बोलता है, रूल वन, इमेज सॉरी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे गोज थ्रू द फोकस. तो यही रूल दोनों इंसिडेंट. हाँ, और एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे लिखो, अभी मैं यहां पे लिखता हूं, इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ये है कि फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड एटलीस्ट बोलते हैं टू रेज. क्यों बेटा, क्योंकि जहां पे आपके रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, वेर एवर दे विल मीट और अपीयर टू मीट, कॉन्वेक्स है तो वहां पे अपीयर टू मीट बनेगा, कॉन्केव है वहां पे वो एक्चुअली मीट करेंगे. सो वेन एवर द रेज विल एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, देन ओनली एट दैट पॉइंट वी विल कंसिडर द इमेज फॉर्मेशन. तो अगर मैं एक ही रे ले लूंगा तो क्या मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ना, नेवर. इफ आई विल गो विथ ओनली सिंगल रे, आई विल नॉट हैव माय इमेज फॉर्मेशन. सो फॉर इमेज फॉर्मेशन आई नीड एटलीस्ट टू रेज. तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड एटलीस्ट टू रेज. कौन से, इंसिडेंट. अगर दो इंसिडेंट रे है तो डेफिनेटली दो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएंगे. ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो क्या बन जाएगा, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे विल गो थ्रू द
फोकस, तो दोनों भी रे फोकस में बन जाएंगे। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? इमेज विल बी एट एफ, इमेज विल बी एट एफ, तो इमेज पोजिशन एट एफ। नेचर कैसे रहेगा? नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज बनेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा होता है, इमेज उल्टा दिखता है आपको, ये टाइप के मिरर में आपको इमेज उल्टा दिखता है। तो R फॉर रियल, I फॉर इन्वर्टेड। साइज, साइज बोलते हैं इसको हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, पॉइंट के जैसा दिखेगा, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख के रखूंगा R मतलब रियल, I मतलब इन्वर्टेड, V मतलब वर्चुअल, E मतलब इरेक्ट, वैसे ही HD का मतलब, HD आपका HD क्वालिटी नहीं है, ये HD अलग है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब एक छोटे पॉइंट जैसा दिखेगा आपको। तो R को क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे, I को बोलेंगे इन्वर्टेड, V को बोलेंगे वर्चुअल, E को बोलेंगे इरेक्ट, HD का मतलब होगा हाईली डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज आपका बन जाएगा। सो दैट वॉज अवर फर्स्ट केस। सो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एग्जैक्टली एट एफ। नेचर कैसे रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज कैसे रहेगा? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। इसको निकाल के ले लो, पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन दिस। ओके बेटा, हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं केस टू के लिए, गो फॉर द केस टू। केस टू में क्या है बेटा? केस टू में अभी हम क्या करते जाएंगे? अभी हम इन्फिनिटी पे थे तो हम इसके आगे चलेंगे। तो इन्फिनिटी के आगे कौन सा पॉइंट होगा वो दिखाता हूँ। तो सपोज मैंने मेरा मिरर निकाल के लिया फिर से, ये मेरा बन गया कॉनकेव मिरर और ये मेरा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे इसका बन गया फोकस, यहाँ पे बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये डिस्टेंस लेते हुए ध्यान में रखना है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे मेजर करना होगा। यहाँ पे बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बन गया, ठीक से बन गया। तो अभी यहाँ पे सपोज मैंने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, तो अभी यहाँ पे है तो आपको पैरेलल रेज नहीं लेना है, आपको एक स्पेसिफिक हाइट का ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक हाइट का ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया, आपको ठीक से दिखने के लिए इतना थोड़ा मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, इतना पेंटिंग करने का जरूरत नहीं है आपके लिए, आप तो डायरेक्टली एक लाइन बना सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा उसका पेंटिंग वगैरह ठीक से कर रहा हूँ आपको दिखने के लिए, बाकी आपको पेंटिंग का जरूरत नहीं है। रे डायग्राम में रे होना इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्ट दिखना इंपॉर्टेंट है, इमेज दिखना इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर ऐसे टाइप का आप ऑब्जेक्ट लेते हो, अगर ऐसे टाइप का आप ऑब्जेक्ट लेते हो, देन यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज हैव टू रेज। कैसे करोगे? पहले जाएगा रे आपका ऐसे, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगा करने में, हाँ अभी ठीक है। ओके, पहले तो कैसे था? पहले वाला जब था वो दोनों भी हमने क्या निकाला था? पैरेलल निकाला, दो रे बनाया था, एक दोनों भी पैरेलल। अभी ऐसा नहीं है, एक पैरेलल बन जाएगा और ऐसा नहीं ना, यहाँ से कहीं पे भी रेस जा सकते। तो एक जो लेता हूँ उसको लेता हूँ मैं गोइंग थ्रू द फोकस, तो इसको लेता हूँ गोइंग थ्रू फोकस, तो ये ऐसे जाएगा। तो दूसरा वाला रे में ऐसे कर लेता हूँ गोइंग थ्रू द फोकस, तो यहां पे क्या बन जाएगा? पहले वाला जो था
जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, तो वो कैसे बनेगा? ये बनेगा, इट विल गो थ्रू द फोकस, इट विल गो थ्रू द फोकस। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी एक लिया बियॉन्ड सी, तो पहले वो भी लेके रखते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। ओके, तो ये कैसे बनेगा आपका? आपका रिफ्लेक्टेड रे अभी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा ऐसा ठीक से इसको निकालते हैं। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई विल ड्रॉ इट नाइसली सो दैट यू विल हैव अ आइडिया। राइट नाउ आई डोंट हैव द स्केल, बट नो नीड फॉर द स्केल, आई कैन ड्रॉ इट नाइसली, नो प्रॉब्लम। और ये जो जाने वाला है इसको ऐसे करते हैं, ये बन गया, और ये फिर से वापस आया तो ये ऐसे बन गया। तो पहले क्या कहा था, पहले था एट एफ। अभी जैसे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक शिफ्ट किया तो मेरा इमेज भी अभी थोड़ा सा साइज में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। मैं आपको फिर से डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, फिर से बनाने में कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये फिगर बना देता हूँ 2 मिनट में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सपोज यहाँ पे मैंने एफ दिया, यहाँ पे मैंने सी लिया, यहाँ पे मैंने मेरा ऑब्जेक्ट लिया, अभी ठीक से बन जाएगा। देखो बेटा, देखो देखो बेटा, यहाँ पे ठीक से बन जाएगा, ये वाला है, ये जाएगा, इट विल गो थ्रू द फोकस, एंड जो फोकस से जा रहा है वो आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये छोटा हो जाएगा। अभी देखो बेटा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और ये क्या बन जाएगा मेरा इमेज। तो बिटवीन सी एंड एफ, सो बिटवीन सी एंड एफ नेचर फिर से क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों बन जाएगा, एक्चुअली द रेज आर मीटिंग ईच अदर, मीटिंग, सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो हाईली डिमिनिश था, यहाँ पे बन जाएगा डिमिनिश्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिमिनिश्ड बन जाएगा। सो दैट वॉज अवर केस टू, तो जस्ट नोट डाउन केस टू। केस टू क्या बन गया अपना, केस टू ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कैसे है, बियॉन्ड सी है, तो आपका इमेज कैसे बन जाएगा, इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। सो दैट वॉज अवर केस टू, सो आई सजेस्ट यू टू नोट डाउन दैट। ये अपना बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया इंसिडेंट रे। ये रे डायग्राम के लिए आपका एरो का जरूरत है, सब एरो ठीक से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे गया, यहाँ से वापस आ गया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब ठीक से आपको दिखाना पड़ेगा। जो रेगुलर थिंग्स है वो दिखाने का ज़रूरत है, वो आपको सब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका केस टू, आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। तो बेटा अभी जाते हैं केस थ्री के लिए, तो बेटा केस थ्री में क्या बन जाएगा वो देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट आपका जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पहले था इन्फिनिटी पे, अभी क्या बन गया वो बियॉन्ड सी, मतलब अभी वो फार अवे इन्फिनिटी को नहीं है, लेकिन सी पे भी नहीं है, वो बियॉन्ड सी है। अभी एग्जैक्टली एट सी ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट आ गया एग्जैक्टली एट सी, तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो सपोज योर ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो केस थ्री को क्या बनाता हूं, केस थ्री ऑब्जेक्ट एट सी, परफेक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो यहाँ पे एफ देता हूँ, यहाँ पे सी बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट निकाला। अभी क्या हो जाएगा, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कैसे आएगा, वो आएगा फोकस से। ओके, और जो दूसरा फोकस से जाएगा वो वापस आएगा पैरेलल और परफेक्टली एट सी वो मीट करेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ वो।
और ये आएगा पैरेलल, तो यहाँ पे जहाँ पे वो मीट करते हैं वहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा इमेज। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट और ये मेरा इमेज। तो इमेज कहाँ बन गया बेटा, तो इमेज कहाँ बन गया, इमेज बन गया एट सी। तो थर्ड केस से आपका एट सी इमेज भी एट सी। नेचर कैसा है फिर से, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, तो इसमें साइज बनता है सेम साइज, जैसे आपके ऑब्जेक्ट का साइज बन गया उतना ही इमेज का साइज बनता है। तो इसके लिए साइज दिखाएंगे सेम साइज। तो थर्ड केस हमने सीखा, थर्ड केस में हमने क्या सीखा, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी तो क्या बनता है, इमेज भी एट सी ही बनता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP केस 3। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले हम इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ पे बन गया, फोकस पे, थोड़ा नज़दीक आ गए बियॉन्ड सी, ये बिटवीन एफ एंड सी हो गया, थोड़ा और नज़दीक आ गए एट सी ले लिया, ये थोड़ा और चला गया एट सी आ गया। तो जैसे जैसे हमने अभी सीखा है अभी इसमें, तो इससे हम क्या क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट एज वी कम क्लोज टू द मिरर, एज वी कम क्लोज टू द मिरर द डिस्टेंस ऑफ इमेज इंक्रीजेस। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज चला जाता है तो इमेज मिरर से दूर चली जाती है। एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज टू द मिरर इमेज गोज अवे फ्रॉम द मिरर। ये इसमें इसमें से कंक्लूजन निकलता है। आपको अगर इसको निकाल के लेना है जस्ट यू मे नोट इट डाउन। ओके बेटा, नाउ विल गो फॉर द फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस क्या बन जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं केस फोर लिखता हूं यहां पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो अपना ऑब्जेक्ट है सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, आई विल सी दैट बिटवीन सी एंड एफ। तो क्या बनता है देखते हैं, यहाँ पे फिर से मेरा मिरर निकाल के लेता हूँ। ये एफ बन गया, कितना डिस्टेंस लिया उतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे लेता हूँ, ये बन गया मेरा सी, डिस्टेंस सेम है और सी और एफ के बीच में मेरा है ऑब्जेक्ट। तो पहले वाला रे कैसे बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। तो ये आएगा पैरेलल, पैरेलल रे, इट विल पास गो थ्रू द फोकस। है ना बेटा, ठीक से उसको करवा के लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे टिल्ट हो गया, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टिल्ट हो रहा है। ओके, दूसरा रे ले लेंगे फोकस से, ऐसे जाएगा, अगर ये फोकस से जा रहा है तो ऐसे जाएगा, थोड़ा पैरेलल दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे कहाँ मीट कर रहे हैं वो दोनों, इस पॉइंट को मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्म हो जाएगा। इमेज कैसे दिख रहा है बेटा, इमेज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट और ये बन गया मेरा इमेज, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया मेरा इमेज। तो इमेज कहाँ पे बन गया, इमेज बन गया बियॉन्ड सी, क्या बन गया बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बन गया बियॉन्ड सी बन गया। नेचर कैसे है, नेचर बन गया रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसे बन गया रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज देखो, इसका साइज इतना है, इसका थोड़ा बढ़ गया, तो यहां पे लिखते हैं मैग्नीफाइड, क्या लिखने का, मैग्नीफाइड।
ये बन गया आपका केस फोर। तो केस फोर में हमने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन बिटवीन सी एंड एफ देन द इमेज विल बी बियॉन्ड सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ इमेज विल बी बियॉन्ड सी। इमेज का नेचर कैसा बन जाएगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑल्सो इमेज विल बी मैग्निफाइड। सो आप इसको नोट डाउन करके लिए हो गया बेटा। नाउ वी विल गो फॉर केस फाइव। ओके, इसको आपने नोट डाउन किया है, केस फाइव लिख दिया। केस फाइव, केस फाइव क्या है, मैं इन्फिनिटी पे था, बाद में मैं सी में चला गया, सी के बाद सॉरी बियॉन्ड सी चला गया, बाद में मैं सी को आया, देन आई शिफ्टेड फॉर बिटवीन सी एंड एफ। तो अभी डायरेक्टली फोकस पे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने एग्जैक्टली फोकस पे रखा तो क्या बन जाएगा वो देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एग्जैक्टली एट फोकस, केस बन गया फाइव, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट अगर आपका एग्जैक्टली एट फोकस है क्या बन जाएगा। पहला तो पैरेलल बनाने का, पैरेलल रे कैसे जाएगा, इट विल गो थ्रू द फोकस। पैरेलल रे कैसे चला जाएगा, इट विल गो थ्रू द फोकस, बन गया, ये बन गया गो थ्रू द फोकस। दूसरा वाला रे कहाँ से लेना है, इसको दो केस लेते हैं। कोई कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे रे निकालते हैं, इसको अपीयर करते हैं, इसको ऐसा 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 और यहाँ से दिखाते हैं और वही इसको रिट्रेस करते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू टेक अनदर थिंग, कैसे, तो यहाँ से एक रे ऐसे दिखा सकते हैं जो आपके मिरर पे यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे आई बन जाएगा, तो वैसे ही एंगल आर वो करेगा और वो करते समय क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, आपको समझेगा कि टू रिफ्लेक्टेड रेज दे विल गो पैरेलल टू ईच अदर। तो कहाँ पे मीट करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट करेंगे। तो अगर मेरा इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, नेचर वंस अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। तो अभी ये इन्फिनिटी पर दिखेगा, मतलब एक्चुअली इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गेट इमेज बिकॉज इट विल बी हाईली मैग्निफाइड। ओके, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्फिनिटी हो जाएंगे तो हम कर ही नहीं सकते। इन्फिनिटी हो जाएंगे मतलब वो पैरेलल हो जाएंगे, तो दे विल नॉट मीट ईच अदर ना, एंड इफ द टू रेज आर नॉट मीटिंग ईच अदर देन हाउ दे विल फॉर्म द इमेज। अगर रेज एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है तो ऐसे हम समझते हैं कि कहीं दूर जाके वो एक दूसरे को मीट करेंगे, अगर करेंगे तो बड़ा वाला, एकदम सा बड़ा वाला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे। सो दैट वॉज अबाउट द ऑब्जेक्ट एट एफ। तो अपना रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज का साइज इसको बोलेंगे हाईली मैग्निफाइड। तो ये यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं, हाईली मैग्निफाइड इमेज कैसे बन जाएगा, हाईली मैग्निफाइड। तो बेटा इसको नोट डाउन करके लो। तो अभी हम लास्ट केस पढ़ेंगे बेटा। तो लास्ट केस ऑफ दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो लास्ट केस पढ़ने के लिए आप तैयार रहो बेटा। तो लास्ट केस, केस नंबर सिक्स। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में तो क्या हो सकता है, सो लेट अस ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। ओ, कहाँ चला गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर दे बेटा।
और अपना बोर्ड एकदम ये हो गया, इसको क्लीन करके लेते बेटा। इसके बाद बेटा अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये दो मतलब इसका, इसके बाद कॉन्वेक्स का, ये दो मिरर का होने के बाद अपन को प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, उस चीज के लिए आपको भी तैयार रहना है। हाँ बेटा, सो यू बी रेडी फॉर सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको ठीक से सॉल्व करोगे। आई विल एंजॉय इट, यू विल ऑल्सो एंजॉय इट, है ना बेटा। ओके, ये लास्ट केस है अपना, ये होने के बाद अपना कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस लेता हूँ, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेता हूँ, तो बिटवीन एफ एंड पी अगर है, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये फोकस और पोल के बीच में है, तो पहले वाला रे तो पैरेलल हो जाएगी। एक्चुअली इतना पैरेलल नहीं लेते हैं हम, तो क्या करते हैं उसको करने के लिए दिखाते हैं आपको। फर्स्ट रे वी विल टेक पैरेलल ओनली, इट विल गो थ्रू द फोकस रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। दूसरा वाला रे लेते समय यहाँ पे भी आप फोकस से भी ले सकते हो, ऐसा ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो और वह वहाँ दिखा सकते हो, लेकिन मेरा टेक्निक ये है आप इसको ऐसे करो और ये जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं तो थोड़ा सा टिल्ट करो उसको, ऐसे जाएगा, लेकिन दे विल नॉट बी पैरेलल, नाउ दे आर नॉट लुकिंग पैरेलल। तो इस केस में मैं इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा और इसको भी प्रोड्यूस करूँगा, तो समवेयर आई विल गेट दैट समवेयर दे विल मीट, है ना बेटा। इसको अगर प्रोड्यूस करूँगा मैं ऐसे 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 करके और ऐसा, अरे यार ये तो नीचे चला गया, तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया मैंने, थोड़ा नीचे चला गया, क्या बन गया बेटा। तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो कहीं पे भी तो मीट करेंगे, और ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे अगर उन्होंने मीट कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा इमेज। इमेज को भी डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ क्योंकि एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है। यस, रियल में इमेज है क्या? ना, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, लेकिन वो कैसी है? इरेक्ट है। तो ये कैसे दिखाएंगे? बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा? इमेज बन जाएगा बिहाइंड मिरर। इमेज कैसे बन जाएगा? बिहाइंड मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज बन जाएगा मैग्नीफाइड। तो बेटा इन दिस वे वी हैव कंसिडर्ड, वी हैव स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आज के लिए आपको स्टडी करना है ये पूरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये आपका केस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये केस को स्टडी करके आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, एंड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन कॉनकेव मिरर। तो आज आपको मैं प्रॉब्लम दे दूंगा और वो कैसे करने हैं वो भी, आपको चाहिए तो इसी लेक्चर में, इसके लेक्चर के बाद में आपको उस टाइम को एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, देखते हैं कैसे करते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस ले लूंगा। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस वेल दिस ऑल सिक्स केसेस, ये सिक्स केसेस का ठीक से आपको प्रैक्टिस करना होगा, वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अब ये कॉन्केव मिरर का पूरा केस आपका बन गया, आई सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।